ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, तो पॉजिटिव वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव रीजन जो आता है वो आएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, है ना। अब इसमें थोड़ा इंटरवल मेथड का बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। सो एक तो हमने ये लगा दिया। अब दूसरा है, दूसरा सिचुएशन है कि बेस कैसा है, जीरो और वन के बीच में है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। अब देखो ये कैसी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगी, और ये 0.5 मतलब 1/2 की पावर माइनस वन। मतलब टू ना सर, हाँ मतलब टू आ टू जाएगा, टू आ जाएगा, क्लियर है। तो अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 <2 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 <0। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते, इसके फैक्टर आ जाएंगे क्या, एक्स माइनस -4 और -1। -1 आएगा, 1 आएगा -1। तो हाँ यहाँ पे फिर से वेवी कर्व लग जाएगा, इंटरवल मेथड, ये 0 हो रहा है 1 पे, ये 0 हो रहा है 4 पे, और ये प्लस माइनस प्लस। अब ये बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू 0 से कम हो, तो नेगेटिव वाला रीजन देखेंगे, नेगेटिव वाला, तो एक्स बिलोंग करेगा 1 से 4 आ जाएगा, है ना, 1 से 4 आ गया। अच्छा ये 1 से 4 आ गया, तो अब क्या करेंगे, हमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ये तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन रीजन। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सोच के बताओ जल्दी से फटाफट। ये 1 से 4 है, ये माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्या ये 1 से 2 ओपन क्लोज यूनियन इंटरवल यूनियन 4 आएगा, क्या ये आंसर आएगा, थिंक अबाउट इट, हाँ सर, है ना, दिस हाँ इज सर यही आएगा। आंसर। ठीक है, अच्छा और कितना रह गया है इसमें, अब ये दो क्वेश्चन रह गए, कर लेते हैं इनको, फिनिश कर दें क्या जल्दी से फटाफट। हाँ सर, हाँ ये कर लो, फिर ये आप घर पे कर लेना कल, सॉल्व इट जल्दी, सॉल्व करो। 14th वेरी सिमिलर टू द सेम, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो पहली कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4+3 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसके फैक्टर एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 और 3 हो गया, 1 एंड 3 प्लस माइनस प्लस, तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई पहला। अच्छा दूसरा कंडीशन है, ये फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट कंडीशन है कि दिस इज बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8^1 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसको धर ले आओ तो -5 <0। अच्छा इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस माइनस फोर या फाइव माइनस एंड x+1 ना, थिंक वन नहीं अबाउट, सर, -4 और माइनस, हाँ थिंक अबाउट, सर यही यही आएगा। फैक्टर आएंगे, एक्स यही माइनस फाइव आएगा, और एक्स प्लस वन हाँ। तो हाँ अब राइट सर, ये इंडिविजुअल 0 कहाँ पे हो रहा है, ये -1 पे हो रहा फाइव और माइनस है और 5 पे, ये फिर राइट एक्सट्रीम से प्लस लगाते हैं, राइट एक्सट्रीम से प्लस फिर माइनस और ये प्लस, तो अब कैसा चाहिए, इसकी वैल्यू कैसी चाहिए, 0 या उससे कम चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, और सिंस इक्वालिटी है तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग करेगा ये -1 से 5 और ये दोनों पे क्लोज आ जाएगा क्योंकि ये इक्वालिटी है, मतलब 0 भी होना है। तो अब बताओ इन दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा, बताओ एक्स क्या क्या मिलेगा,
क्लोज ब्रैकेट माइनस वन से ओपन ब्रैकेट वन यूनियन माइनस वन से वन है ना, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, थ्री से फाइव तक ओपन ब्रैकेट, हाँ ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी है और ये तो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो ये आना चाहिए, तो फाइनल आंसर दोनों का इंटरसेक्शन आता है। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, सो आई थिंक कि हम लोग ने ज्यादा सब कुछ कर लिया, इक्वेशन भी हो गया, लॉगरिथम के केसेस भी हम लोगों ने देख लिया।